राजस्व विभाग के मेरे अधिकारी कर्मचारी बहनों और भाइयों, सारा देश और अपना प्रदेश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है और राजस्व विभाग के हमारे अधिकारी कर्मचारी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, कोटवार, सारा का सारा राजस्व का अमला आज इस लड़ाई को लड़ने के लिए योद्धा के रूप में मोर्चे पर डटा हुआ है। अपने दायित्व के निर्वाह के साथ साथ कानून और व्यवस्था बनी रहे, इसकी आप कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान डोर टू डोर जाकर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से तैयार भोजन का वितरण, दवाई, सब्जी, दूध की होम डिलीवरी में हमारे रेवेन्यू का अमला लगा हुआ है। आम नागरिकों को लॉकडाउन के कारण अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी ना हो, इसमें आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हमारे कई मजदूर जो बाहर से आए, उनके लिए हमने कई जगह शिविर लगाए। बाहर के प्रदेशों के मजदूर यहां रुके हुए हैं, अब दोनों की व्यवस्था में लगे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान फंसे व्यक्तियों को ठहरने की, स्वास्थ्य परीक्षण की, भोजन वितरण की व्यवस्था आप सुनिश्चित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग से समुचित स्वास्थ्य परीक्षण के काम में आप लगे, क्वारंटाइन कैंप्स की व्यवस्था आपने सुनिश्चित की है और घर पर जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण, राशन की आपूर्ति इत्यादि सुविधाएं घर घर पहुंच के कर रहे हैं। यह साधारण परिस्थितियां नहीं है, असाधारण परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डाल के राजस्व विभाग का अमला जनता को बचाने में जुटा हुआ है। मैं अपने सभी राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूं। 7.5 करोड़ जनता आपके साथ है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पर आपके साथ कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में मिलकर लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। संकट बढ़ा है लेकिन हमारा हौसला उससे भी बढ़ा है। मेरे कर्मचारी मित्रों, हमने ये व्यवस्था भी की, भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई अनहोनी होती है तो परिवार को 50 लाख का सुरक्षा कवर देने का हमने फैसला किया है। आप असली हीरो हैं जो मैदान में लड़ रहे हैं, फील्ड में निकल रहे हैं, हर खतरे का सामना कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी जनता बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।